जब भी वीकेंड रहता है तब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ, और दोस्तों के साथ हैंग आउट करते टाइम हम वेब सीरीज या फिर कोई मूवीज से रिलेटेड बातचीत करते रहते हैं। और मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि भाई कोई ऐसी मूवीज या फिर वेब सीरीज रेकमेंड कर दे जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। इन शॉर्ट वो ये कहते हैं कि भाई कोई नॉन फिक्शन मूवी या फिर कोई वेब सीरीज रहेगी तो हमें बता दे। तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ भाई नॉन फिक्शन देखो भाई, फिक्शन के अलावा नॉन फिक्शन में काफी इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स है। और फिर फाइनली मैं अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ और कहता हूँ कि भाई एनिमे देख लो। अरे यार फिर से शुरू हो गया इसका। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, नूरीटूब हियर। और हाल ही में अपनी मैंने 2 हफ्ते में विनलैंड सागा देखी है, काफी मस्त एनिमे है और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर दी थी। ये एनिमे ऐड हुई थी जुलाई 8 2019 को और ख़त्म हुई थी दिसंबर 20 2019 को, मतलब काफ़ी लेटेस्ट ही है, एक साल ही हो गया अभी तक तो। और इसके स्टूडियो है विच स्टूडियो, वही स्टूडियो जिन्होंने AOT के ऊपर भी काम किया है। और टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी बढ़िया एनिमे थी, जिसने भी मुझे रेकमेंड किया उसके लिए थैंक्स। मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसी एनिमे देखना चाहता था। ये एनिमे काफ़ी मेरे को बेस्ट लगी क्योंकि इसके एक्शन सीन काफ़ी मस्त है। मतलब कैसा कहते हैं, एनिमेशन में जब भी फ्रेम्स एक्शन सीन होता है तब फ्रेम ज़्यादा ऐड होती है, फ्रेम्स थोड़ी बहुत बजट कटिंग होता है और विच स्टूडियो बजट कटिंग भी करता है, तो ऐसा इस एनिमे में मेरे को देखने को नहीं मिला। और अब आते हैं स्टोरी के मामले में। तो स्टोरी के मामले में अगर मैं कहना चाहूँगा तो ये स्टोरी एक रिवेंज बेस्ड स्टोरी है। मैं तुम लोग को फुल ऑन डिटेल में नहीं बताना चाहता क्योंकि तुम लोग जाके इसे खुद एक्सपीरियंस करो, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ दैट इसके जॉनर एक्शन है लेकिन फिर भी ये एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, ये कैरेक्टर्स के साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके बाकी के जॉनर एडवेंचर, हिस्टोरिकल, ड्रामा और सेनिन है, और इसकी रेटिंग R17+ है क्योंकि इसमें बहुत सारा वायलेंस है, खून की नदियाँ बहेंगी लिटरली। पर्सनली मेरे से पूछोगे तो इसकी स्टोरी फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी थी, मतलब एपिसोड 15 के पहले मतलब काफ़ी अच्छी थी, और एपिसोड 15 के बाद जो मतलब क्या बोलते हैं ना, वो पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हुई है और मुझे इसकी एंडिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, मैं ऑनेस्टली तुम लोग को कहता हूँ। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये एनिमे सोली बेस्ड कैरेक्टर्स के ऊपर डिसाइडेड है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर मतलब अच्छी खासी क्या बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की है, लेकिन कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को मतलब सर के पार चली गई। मतलब एक एपिसोड में कैसे इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, अगर तुम लोगों ने ये एनिमे देखी रहेगी तो तुम्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो अपनी नेक्स्ट सीरीज में बनाऊंगा। और इस पूरी सीरीज में मेरे को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो लगा वो था एस्केलेड। हालांकि एस्केलेड इस सीरीज का पूरा विलन है और इसके रिगार्डिंग मैं इन डेप्थ जा सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी सारे ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स थे जहाँ पे वो बदल सकता था लेकिन वो बदला नहीं, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको बैर करने पड़े वो लास्ट के एंडिंग में ही तुम लोग समझ सकते हो अगर तुम लोग ये एनिमे देखोगे तो। जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो लिटरली मेरे को सास्के की कॉपी लग रहा था, क्योंकि ये एनिमे सीरीज कैसी थी, सास्के था वहाँ पे, नारुतो नहीं था, काकाशी नहीं था जो उसको कोई गाइड कर सके, और ये सारी मतलब वो जो प्रोटैगनिस्ट था उसके ऊपर काफ़ी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज़ की गई थी, तो एक तरह से मुझे थोड़ा बहुत सिंपथाइज भी हो रहा था, लेकिन बाद में जाके पूरी वाट लगा दी। और इसका सीज़न 2 भी हाल ही में अभी आने वाला है, और सीज़न 2 से भी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि सीज़न 2 सोली बेस्ड उसके पेनेंस के लिए है ना, वो पूरा सीज़न 2 रहेगा, तो उसमें रिगार्डिंग हमें कुछ ऐसा एक्शन सीन शायद देखने को नहीं मिलेंगे। बट ओवरऑल ये एनिमे काफ़ी अच्छी थी। इसके माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग है 8.72 आउट ऑफ 10 और IMDb की रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10।
और ये सब एक्चुअल में होता था। पहले के लोग काफी बारबेरिक होते थे और ये नेचर की रियलिटी होती थी। जो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहता वो मर जाता है। वीक लोगों के लिए पहले कोई जगह नहीं थी। 1895 का पहले का दौर काफी वर्स्ट था। मतलब हम लोग काफी सारी चीजें एंजॉय करते हैं अभी के लिए, लेकिन पहले का काफी वर्स्ट था। सो विद दैट सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना हमेशा की तरह से, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन वीडियो तुम लोग को पहले रेकमेंड हो। अंटिल देन स्नूजी टू चाओ।